टेक्नो का अभी तक का सबसे जबरदस्त स्मार्टफोन, वर्डिक पहले ही दे दिया मैंने, लेकिन ये स्मार्टफोन के बारे में ये बोलना बनता ही था शुरू में, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। ये टेक्नो का नया स्मार्टफोन है, टेक्नो किमॉन 30 प्रीमियर 5G। बहुत सारी चीज़ें आपको इसके बारे में बतानी है, और कैमरा मास्टर है, यहाँ पर मेंशन भी कैमरा मास्टर। बहुत सारे नए नए AI वाले फीचर्स आपको मिलते हैं, धीरे धीरे एक्सप्लोर करते हैं। अब बॉक्स देखेंगे इस तरीके का है, फटाफट से यहाँ पर अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कि आपको बॉक्स में क्या कुछ मिलता है। तो सबसे पहले एक छोटा सा बॉक्स है, और यहाँ पर आपको कुछ कागजात और एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, इसमें भी थोड़ा सा लेदर जैसा फिनिश दिया है, हालांकि है नहीं, बट ऐसा फिनिशिंग आपको ग्रिप मिलता है, बहुत ही कमाल क्वालिटी का आपको यहाँ पर जो है वो एक बैक केस मिल रहा है, कुछ कागजात हैं, और साथ में आपको आपका फ़ोन मिलता है। इसको रखते हैं साइड में, बाकी देखते हैं आपको बॉक्स में क्या कुछ मिलता है। तो आपको एक 70 वॉट का अडेप्टर मिलता है, जो यहाँ पर क्लियरली मैंशनड है, और आपको एक Type-A to Type-C केबल देखने को मिल जाता है। इनको रखते हैं साइड में, आते हैं फ़ोन की तरफ। अब हर एस्पेक्ट में फ़ोन को बहुत डिटेलिंग में यहाँ पर उन्होंने बनाया है, जैसे कि अगर डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से बात करें तो बहुत ही प्रीमियम डिज़ाइन है, प्रो कैमरा डिज़ाइन, कुछ वैसा लेआउट आपको मिलता है। अगर आप देखोगे तो साइड में आपको साइड एक्सिस डिज़ाइन देखने को मिलती है, थोड़ा सा कर्व्ड है, हल्का सा ऐसे जाता है जो कैमरे को कवर करता है, और ये वाला पार्ट मैट है, बाकी का बैक पूरा जो है वो आपको लेदर में मिलता है। जी हाँ, इसमें वेट हैंड वाला भी फीचर है, अगर आप गीले हाथ से भी अगर इनकेस इस्तेमाल कर लेते हैं तो वहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिखने में ये काफ़ी मॉडर्न वाइब दे रहा है। जी हाँ, मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे फ़ोन देखे, डिज़ाइन सब में मैंने डुअल टेक्सचर भी देखा हो, बट ये बहुत ही डिफरेंट है, काफ़ी बढ़िया प्रीमियम लुक आपको देखने को मिलता है। ऊपर आपको ये रेड डॉट दिख रहा है, ये एक्चुअली में ब्रीदिंग लाइट है, ये वॉइस असिस्टेंट के टाइम, चार्जिंग के टाइम, वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम, और अगर आपको इनकमिंग कॉल आता है, आपने फ़ोन ऐसे बैकसाइड रखा है तो वो ब्लिंक करता है। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस आपको होगा जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे। बाकी आपको इसमें IP53 रेटिंग्स भी देखने को मिल जाती है, और साथ ही साथ जो फ्रेम्स यहाँ पर है वो एल्यूमिनियम में है, तो यहाँ पर भी आपको प्रीमियम मटेरियल देखने को मिलता है, और जो फ्रेम है इस पर भी उन्होंने मैट ऐसा फिनिशिंग दिया है ताकि जब आप उसको होल्ड करें, यूज़ करें, तो उस पर भी उंगलियों के निशान ज़्यादा नहीं पड़े। उसी के साथ आपको डुअल माइक है, आपको डुअल स्पीकर्स मिलते हैं जिसमें डॉल्बी एटमॉस का आपको सपोर्ट है, आपको आयर ब्लास्टर मिलता है, और साथ ही साथ आपको उसमें डुअल सिम मिलता है, इसमें हाइब्रिड नहीं, आपको डुअल सिम का सपोर्ट मिलता है। टाइप सी पोर्ट यहाँ पर दिया गया है, और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, फिंगरप्रिंट स्कैनर की पोजिशनिंग थोड़ी सी नीचे है, लेकिन बहुत ही अच्छा, फास्ट और रिस्पॉन्सिव है। यहाँ पर आपको एक्स एक्सिस लीनियर मोटर भी देखने को मिलता है, अगर आप वॉल्यूम बटन पर भी अप एंड डाउन करते हैं तो वो हैप्टिक्स टिक 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 वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। दो कलर्स है जो हमारे पास आया है, ये वाला, ये लावा ब्लैक है, आपको एक स्नो सिल्वर भी मिलेगा। और मैं ऑनेस्टली कहता हूँ, डिज़ाइन एंड लुक की बात करें, एक कंक्लूजन दे दूँ छोटा सा, तो बहुत ही प्रीमियम और मॉडर्न वाइब दे रहा है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, इसमें है मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 अल्टीमेट, और ये एक 4nm वाली आपको चिपसेट मिलती है, जिसके Antutu स्कोर्स बहुत ही इम्प्रेसिव थे, क्लोज टू 1 मिलियन, यहाँ पर बहुत ही अच्छे, मतलब 941,000 के आसपास जो वो स्कोर आया। CPU थ्रॉटल भी इसका अच्छा था, 75% के आसपास आपको CPU थ्रॉटल देखने को मिल रहा है, ज़्यादा थ्रॉटलिंग के इश्यूज भी यहाँ पर नहीं है, और साथ ही साथ इसमें आपको LPDDR5X और UFS 3.1 के स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है। स्टोरेज जो स्पीड के रिजल्ट्स थे वो बहुत अच्छे थे, 85,000 के आसपास आया था। इनफैक्ट अगर आप रैंडम रीड और राइट की स्पीड भी देखते हैं तो ये भी काफ़ी ज़्यादा थे। इसमें आपको रीड राइट की स्पीड बहुत अच्छी मिलती है, हमने एक फाइल कॉपी पेस्ट करके भी देखा था, बड़ी फाइल थी, बहुत ही ईजिली यहाँ पर फाइल उसने बहुत स्पीड में कॉपी पेस्ट कर दिया था। मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस स्मूथ है, जितना भी हमने फ़ोन को इस्तेमाल किया है परफॉर्मेंस को लेकर, ये फ़ोन हैंग लैग नहीं कर रहा था, स्मूथनेस बहुत ही अच्छी देखने को मिली थी, और गेमिंग भी अगर आपको खेलना है तो आप हाई अल्ट्रा पर सेट करके खेल सकते हैं, चाहे वो BGMI हो, कॉल ऑफ ड्यूटी हो, वहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसके कुछ कूलिंग सिस्टम भी है, तो यहां पर ये फोन ज्यादा गर्म भी नहीं होता है, लॉन्ग टर्म तक भी अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा हीट नहीं होता है। क्रेडिट में मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 को भी देना चाहता हूं, क्योंकि ये चिपसेट अपने आप में वेल ऑप्टिमाइज है, तो वो ज्यादा हीट नहीं करता है। तो परफॉर्मेंस की बात करें तो यहां पर आपको जो काम होने वाला है डे टू डे लाइफ का और जो गेमिंग वगैरह होगी वो सब कुछ बढ़िया होने वाली है। डिस्प्ले की बात करते हैं, आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलती है और बेजल्स बहुत ही कम है,
चिन भी यहाँ पर आप देखेंगे बहुत छोटा सा है और पंचोल भी आपको सेंटर पे छोटा मिलता है। स्क्रीन गार्ड भी पहले से लगा कर दिया है और गोरिल्ला ग्लास 5 की आपको इस पर प्रोटेक्शन भी देखने को मिलती है। जहां पर आपको ये 6.77 इंच की बड़ी डिस्प्ले है, 1.5 के रेजोल्यूशन LTPO वाली AMOLED डिस्प्ले मिलती है, जी हाँ, और 94% जैसे कि मैंने बताया आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है। इसका जो बेजल्स है वो बहुत कम है, फ्लैट के हिसाब से जो वाइड एक्सपीरियंस आपको मिलेगा और बेजल्स भी कम है, तो ये पैनल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस दे रहा है। और साथ ही साथ 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट और 360 हर्ट्ज का आपको टच सैम्पलिंग रेट दिया गया है। और ये 10 बिट वाली डिस्प्ले DCI-P3 100% आपको यहां पर मिलता है और 2160 हर्ट्ज का PW डिमिंग। लो ब्राइटनेस पर अगर आप इसको इस्तेमाल करते हो तो ये फ्लिकर नहीं करता है, इसमें ये फीचर भी दिया गया है। बाकी आपको यहां पर 1400 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। आउटडोर विजिबिलिटी इसकी बहुत अच्छी थी, हमने जितना भी एक्सपीरियंस किया डायरेक्ट सनलाइट में भी चेक किया तो वहां पर भी कोई कंप्लेंट्स नहीं थे। इंडोर में भी अगर आप अलग अलग एंगल से भी देख लेते, कैसे भी देख लो, इसके व्यू एंगल्स बहुत अच्छे थे, कलर्स वगैरह, शार्पनेस वगैरह सब कुछ अच्छा निकल कर आया है। पैनल से ज्यादा कोई कंप्लेंट्स नहीं है, एक्सपीरियंस यहां पर काफी अच्छा है। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, इसमें आपको मिलता है एंड्रॉयड 14 और इनका हाई ओएस चलता है, जहां पर आपको 2 साल की ईयरली ओएस अपडेट्स, 2 साल के सिक्योरिटी पैचेस, होपफुली आपको एंड्रॉयड 16 तक इसमें अपडेट्स मिलेंगे। कॉल रिकॉर्डिंग की बात करें तो स्टॉक डायलर है, अगर आपको करना है वो आप कर सकते हैं। इस बार प्रीवियस जनरेशन से कंपेयर करें तो ब्लोटवेयर बहुत कम है, उन्होंने बहुत सारे ऐप्स को निकाल दिया है जो मुझे लगा बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि पहले से अभी आपका सॉफ्टवेयर में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होने वाला है। हाँ, लेकिन इनका पाम स्टोर है और साथ में हमने एक स्नैपचैट भी देखा था, बट आप इनको डिलीट कर सकते हैं, मतलब स्नैपचैट को डिलीट कर सकते हैं और पाम स्टोर की नोटिफिकेशन डिसेबल कर सकते हैं, एक्सपीरियंस आपका और भी अच्छा हो जाएगा। बाकी उसी के साथ आपको कुछ स्पेशल फंक्शंस भी मिलते हैं, जैसे कि डायनामिक पोर्ट है, फ्लोटिंग विंडो है, मेमोरी फ्यूजन, स्मार्ट पैनल, गेम मोड, अगर आपको इनका पूरा मजा लेना है वो आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ नोटपैड में भी AI को इंटीग्रेट किया है। अब जैसे कि हमने नोटपैड ओपन किया है, प्लस पे टैप करते हैं और यहाँ पर सेकंड ऑप्शन देखेंगे तो AI वाला है। यहाँ पर आपको कुछ भी ड्रॉ करना है, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है तो मैंने यहाँ पर एक कार बनाया हूँ, बहुत गंदे से कार बना रहा हूँ मैं, और देखते हैं कि वो उसको किस तरीके से जनरेट करके देते हैं। तो यहाँ पर जनरेट पे टैप किया, अभी एक AI इमेज इसको जनरेट करेगा। आप किसी भी तरीके का स्केच करिए बट थोड़ी सी अच्छी ड्राइंग होनी चाहिए। इसने रिक्शा बना दिया, मैंने भी वैसे ही ड्राइंग रिक्शा जैसी किया था। और आपको नीचे कॉमिक में कॉमिक्स, पिक्सल आर्ट, डिजिटल, साइबर पंक, अगर मैं साइबर पंक पे टैप करता हूँ तो वो उस तरीके से आपको AI इमेज जनरेट करके देगा। ये देखेंगे साइबर पंक में भी यहाँ पर आ गया, ओ वाओ क्या मस्त लग रहा है। तो इस तरीके से आप इसमें खेल कर सकते हैं। और साथ में एला वॉइस असिस्टेंट दिया गया है, अगर आपको वॉइस असिस्टेंट का इस्तेमाल करना है जैसे कि दूसरे होते हैं, इनका खुद का है वो आप कर सकते हैं। और आपको एक AI इरेजर मोड भी मिलता है, अगर आपको फोटो क्लिक करने के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट को इरेज करना है, जो कि अच्छे से काम करता है, हमने टेस्ट किया है, वो भी आप कर सकते हैं। रही बात कैमरे की, तो बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स आपको कैमरे में मिलते हैं। 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर है जिसमें सोनी IMX890 है, आपको OIS मिलता है और 50 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रावाइड सेंसर भी मिलता है। अब 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर आपको शार्पनेस बहुत अच्छी देगा, हमने नॉर्मल और अल्ट्रावाइड आपको दोनों दिखा रहा हूँ, ज़्यादा कोई कलर शिफ्टिंग भी नहीं है और एरिया भी ज़्यादा कवर करता है। लेकिन जो मैजिकल सेंसर है वो है इनका 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप सेंसर, जी हाँ, इसमें 3 times आपको सेंसर जूम मिलता है और 60 times आपको हाइब्रिड जूम मिलता है। मैं आपको नॉर्मल से लेकर 3 times, इनफैक्ट 60 times के फोटोज दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं जो जूम फोटो है मैक्सिमम उसके भी जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी निकल कर आई है, मतलब बहुत इंप्रेसिव काम किया है। प्राइस के हिसाब से पेरिस्कोप सेंसर देना अपने आप में ये भी बहुत बड़ी बात है। बाकी मैक्स रियर में आप 4K 60fps पे वीडियो शूट कर सकते हैं। रही बात सेल्फी की, तो आपको 50 मेगापिक्सल सेल्फी मिलती है, यहाँ पर भी कोई कंजूसी नहीं करी और इसमें आपको आई ट्रैकिंग ऑटो फोकस मिलता है। जैसे आप सेल्फी क्लिक करने जाते हैं वो व्यू फाइंडर में ही आपकी आंखों को ट्रैक करता है, जिससे डेफिनेटली आप शार्प सेल्फीज निकाल सकते हैं। और सेल्फी में भी आपको 4K 60fps का सपोर्ट मिलता है, जो जनरली इस प्राइस रेंज पर हमें देखने को नहीं मिलता है। स्लो मोशन भी यहाँ पर है, 240fps पे आप अच्छे खासे स्लो मोशन वीडियोस निकाल सकते हैं। हमने क्वालिटी देखा, मुझे काफी इंप्रेसिव लगा। मैंने बहुत फोन्स देखा हूं जिनमें स्लो मोशन में कभी कभी ब्रांड मार खा जाती है, इतना वेल ऑप्टिमाइज नहीं करती, बट यहां पर क्वालिटी मुझे अच्छी लगी थी। एक्स्ट्रा फीचर्स भी कैमरे में बहुत सारे हैं, जैसे कि आपको एक 100 मेगापिक्सल मोड मिलता है। पोर्ट्रेट में आपको 23mm, 35mm, 50mm, 70mm, मैं आपको सारे पोर्ट्रेट जूम फोटोज दिखा रहा हूँ, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सुपर मैक्रो है जिसमें भी आपको 5 times जूम मिलता है, अगर आपको एकदम जूम मैक्रो शॉट लेना है वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। डुअल वीडियो है, स्काई शॉप है और AR शॉट भी आपको एक ऑप्शन मिलता है।
मिलता है मोर के अंदर। अगर आपको अपने कुछ AR अवतार्स क्रिएट करने हैं, मैजिकल लाइंस भी दिया है उसके साथ भी अगर आपको खेलना है, तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर है जिसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन कैमरे में कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स और भी है AI से रिलेटेड, जिसके बारे में आज बात करते हैं। एक तो है यहाँ पर AIGC पोर्ट्रेट, बहुत ही अलग तरीके से ये काम करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखेंगे, आपको एक मोड मिलता है जिसमें लाइफस्टाइल, लव, ग्रेजुएशन, चाइल्डहुड, 3D डॉल, आपको जो चाहिए। तो मैं लाइफस्टाइल पे टैप करता हूँ और उसके बाद मैं फोटो क्लिक करता हूँ। चार फोटो क्लिक करेगा लगभग और नीचे देखेंगे वो जनरेट भी कर रहा है। ये फोटोस जनरेट हो चुके हैं। क्या हैंडसम लग रहा है रे आई, देखेंगे। ये तो बहुत बढ़िया है, इस तरीके से सारा काम हो जाता है। वाह क्या बात, कितना क्यूट लग रहा है यार, इससे शरीफ लोंडा आपको नहीं मिला होगा कहीं पर। और साथ ही साथ आपको पोलार एस करके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग AI फीचर मिलता है जो रियर सेल्फी दोनों में काम करता है। अगर आप बहुत डार्क एनवायरमेंट में हैं, आप उसमें ब्राइट वीडियोस यहां पर निकाल सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे हमने कैमरा ओपन किया है व्यू फाइंडर में, सब कुछ एकदम डार्क है, पीछे जो शेल्फ है वो आपको यहाँ पर हल्का सा दिखाई दे रहा है। लेकिन असली जादू जब हम ऊपर वाला ये बटन टैप करते हैं, ये देखेंगे वीडियो अनाउंसमेंट, और आपके सामने ऑन द स्पॉट इसने उसको ब्राइट कर दिया। अब मैं जब वीडियो क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे क्वालिटी यहाँ पर कैसी हो गई है, पूरा के पूरा यहाँ पर जो है वो ब्राइट हो चुका है। लेकिन अगर जब मैं इसको बंद करता हूँ तो देखेंगे फिर से एकदम डार्क हो गया, ऑन करते ही वो लाइट हो जाता है। कुछ इस तरीके से ये काम करता है। वीडियो में भी आपको बहुत सारे फंक्शंस मिलते हैं, जैसे कि फिल्टर्स मोड मिलता है आपको, इसमें प्रोफेशनल, वाइब्रेंट, नॉस्टैल्जिया जो ठीक लगे आप सेट कर सकते हैं। आपको इफेक्ट्स मिलते हैं, रेन ड्रॉप, स्नो फॉल, ओल्ड फिल्म, जो ठीक लगता है आप वो कर सकते हैं। फ्रेम्स आपको चूज करना है वो आप कर सकते हैं। वीडियो बोके भी यहाँ पर है जो रियर सेल्फी दोनों में काम करता है, इसके भी सैंपल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी के वीडियो बोके आप रियर सेल्फी दोनों में यहाँ पर जो वो निकाल सकते हैं। बाकी कैमरे में आपको एक और अलग से मोड मिलता है, सामने अगर आप कैमरा ओपन करेंगे तो ऊपर आपको तीन मोड्स मिलते हैं, स्टैंडर्ड, ब्राइट, कैमॉन। इसमें हमने एक ही फोटो लिया है, तीन अलग अलग मोड्स चूज किया है, इसमें भी डिफरेंस है थोड़े बहुत, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी कैमरे के सैंपल्स आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, फोटोज बहुत अच्छे निकल कर आए हैं, AI का काम पूरे बखूबी से यहाँ पर निभाया गया है, डायनामिक रेंज अच्छा है, पोर्ट्रेट शॉट अच्छे हैं। यहाँ पर अगर आप कलर्स देखते काफी वाइब्रेंट लगता है, तो यहाँ पर कोई ज्यादा खास कंप्लेंट्स नहीं थी। और सेम गोज फॉर सेल्फी, सेल्फी की भी जो शार्पनेस है, जो क्वालिटी है, जो डायनामिक रेंज है, वो अच्छा निकल कर आया है। और नाइट में भी फोटोज आप अच्छे निकाल सकते हैं, नाइट के अंदर ब्राइट फोटोज आते हैं, नॉइस थोड़ा कम है और नाइट के अंदर शार्पनेस अच्छी है, खाली बस फ्लैर्स कहीं कहीं दिख जाते हैं, लेकिन ओवरऑल जो फोटोज निकल कर आए नाइट के वो बहुत अच्छे निकल कर आए। और सेम गोज फॉर सेल्फीज, काफी ब्राइट सेल्फीज आप यहाँ पर नाइट में निकाल सकते हैं, और अगर आप अच्छी लाइटिंग कंडीशन में जाएंगे अच्छी सेल्फीज निकल जाती है। बाकी नाइट वीडियो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें बहुत अच्छे से काम लिया गया है वीडियो का, रियर वीडियो बहुत बढ़िया स्टेबलाइजेशन है। मैं आपको नॉर्मल एक स्टिल सैंपल भी दिखा रहा हूँ, काफी ब्राइट वीडियो है। और सेम गोज फॉर सेल्फी, हमने ये थोड़ा बोके लिया था लेकिन यहाँ पर क्वालिटी देखेंगे तो बहुत अच्छी निकल कर रही है, काफी इंप्रेसिव है। बाकी गूगल ड्राइव पर डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक छोड़ा है, आप जाकर देख सकते हैं। बैटरी की बात करेंगे, आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है और 70 वॉट की चार्जिंग है, चार्जर आपको बॉक्स में मिलता है, जिससे अगर आप इसको चार्ज करेंगे तो लगभग 0 to 100% 48 मिनट्स के अंदर चार्ज हो जाता है। लेकिन याद रहे बैटरी में आपको दो अलग अलग फीचर्स मिलते हैं, एक तो आपको स्मार्ट चार्ज मिलता है, जिसमें अगर आपको और फास्ट चार्ज करना है आप इस वाले मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपको एक लो टेम्परेचर चार्जिंग मोड मिलता है, इसमें थोड़ा स्लो चार्ज होता है और बैटरी ज़्यादा गर्म भी नहीं होगी। ये डिपेंड करता है कि अगर आपको कहीं लंबे समय तक आपको लग रहा है कि अच्छा, फॉर एग्जाम्पल नाइट में अगर आप सो रहे तो डेफिनेटली आपने ये वाला मोड ऑन कर दिया, धीरे धीरे वो सुबह तक चार्ज हो जाएगा। आपको इसमें 1600 चार्ज साइकिल्स मिलती है, अप टू 4 इयर्स तक आपको बेटर बैटरी मिलेगी, ऐसा ब्रांड ने यहाँ पर जो वो क्लेम किया है। और साथ ही साथ इसकी बैटरी बहुत अच्छी है, क्योंकि 5000 है बेसिक, आपको बहुत बढ़िया बैकअप मिलेगा, डेट पूरा हमने यूज किया है, एक दिन बैकअप आराम से दे रहा है। बाकी अगर फ्यूचर में फुल रिव्यू रहेगा तो डिटेल में बैटरी बैकअप टेस्ट करके जरूर बताएंगे। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको 5G सपोर्ट है, मल्टीपल 5G बैंड्स दिए गए हैं, आपको वोल्टी सपोर्ट भी यहाँ पर आ जाता है, वाइडबैंड L1 के साथ आता है, ब्लूटूथ 5.3 है, कैमरा टू API है, इनफैक्ट NFC भी आपको मिलता है, जो कि बहुत रिक्वायर्ड फीचर है, आजकल बहुत सारे ब्रांड्स मिस करती है लेकिन वो चीज़ यहाँ पर आपको मिल रही है, वाईफाई 6 है, FM रेडियो और सारे सेंसर्स का आपको सपोर्ट मिलता है।
अब जाते जाते बात करते हैं मेरे फाइनल ओपिनियन की, वर्डिक्ट की, प्राइसेस की। तो प्राइस मुझे नहीं पता है, मैं लॉन्च से पहले बना रहा हूँ तो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन अभी मिली नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट के अंदर अपडेट करूंगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अपर मिड रेंज कैटेगरी का ये स्मार्टफोन है। इसका एक और वेरियंट भी है जो लाइटर वाला है, टेक्नो केमॉन 30। ये प्रीमियर है, एक 30 वाला भी आपको मिलेगा, उसकी प्राइस और भी कम होगी। लेकिन लुक एंड फील, कैमरे के जो फीचर्स है, जो क्वालिटी है, पेरिस्कोप सेंसर है, बैटरी, चार्जिंग, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, हर एस्पेक्ट में, इनफैक्ट सॉफ्टवेयर में भी इस बार जो उन्होंने काम किया है वो बहुत इंप्रेसिव किया है। मतलब टेक्नो एज अ ब्रांड अगर आप देखोगे तो बड़ा लीप ले रही है, बहुत कहाँ से वो लोग कहाँ तक पहुँच गए और इस तरीके से हमारे हाथ में अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अप्रिशिएशन तो बनता ही बनता है। बाकी अगर आपको इसका फुल रिव्यू देखना है तो कमेंट में ज़रूर बताना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन हम देंगे रिव्यू करके। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्मार्टिंग।